हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हम करने जा रहे हैं विजन के कंप्लीट स्टडी मटेरियल का रिव्यू। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट थे कि आप किसी भी स्टडी मटेरियल का रिव्यू करिए, तो आज मैं लेकर आया हूँ विजन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल। जैसा कि आप ये पार्सल देख पा रहे होंगे, ये मैंने पार्सल है या फिर ये मटेरियल है मैंने www.plusparmesh.in साइट से मंगाया है। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कितने कंप्लीट बुकलेट हैं और साथ में इसमें रजिस्टर्ड भी हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी लोग विजन के कंटेंट को या स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे होगे ये सारा स्टडी मटेरियल रखा है, इसको मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा कि कितनी बुकलेट हैं, वो तो आप काउंट कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाना, www.plusparmesh.in सर्च करके आप इनके साइट पर जा सकते हो, या फिर इनके ऐप भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और भी ऑर्डर कर सकते हो। और अदरवाइज मैं इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा। तो सबसे पहले जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो इसमें इनकी खासियत क्या है कि अभी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, पहले से पेमेंट करके भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। और भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे कि आपको अपडेट मिलेगा या ट्रैकिंग आईडी मिलेगी कि आपका पार्सल कहाँ पर पहुँच गया है, कितने टाइम में आप तक पहुंच जाएगा, और आप 24 घंटे आपको कॉल का सपोर्ट भी मिलेगा। आप इनसे कॉल करके भी ऑर्डर की डिटेल या फिर जो भी है आप उनसे पूछ सकते हो। तो गाइस, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था ऑर्डर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बुकलेट है और कैसे इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि आप या तो जीएस 1 से स्टार्ट कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर होते हैं जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं जो कि 250 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल मिला के 500 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके अलावा आपका एक ऐसे का पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है, और एक होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 275 मार्क्स का होता है। इस टोटल को मिलाकर 2025 हो जाता है। इन टोटल को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, उसके बाद ही आपका यूपीएससी में सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो गाइस, ये जो मटेरियल आपका, ये मान के चलो 1000 मार्क्स प्लस ऐसे का मार्क्स भी आप इसी से देख सकते हो। तो मतलब ये मान के चलिए कि आपके 1250 मार्क्स का ये जो मटेरियल रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले, ये आप देख पा रहे होंगे 6 रजिस्टर्ड रखे हैं जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कुछ इस तरीके से रजिस्टर्ड हैं ये, और इसमें जैसे कि आप बैंक ब्लैंक आंसर सीट यूपीएससी, ठीक है। और इधर एक कोट लिखा है जो कि मोटिवेशन कोट है जो कि आप पढ़ सकते हो, इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। थोड़ा सा इंग्लिश मेरी वीक है तो मतलब दिल पे मत लेना आप लोग। तो इस तरीके से ब्लैंक सीट होती है, जैसे कि मैंने आपको कॉपीज वगैरह भी दिखाई थी टॉपर्स वगैरह की, तो उसमें आपने देखा होगा यूपीएससी में सेम इसी तरह की कॉपी पर आपको लिखना होता है मेंस की आंसर राइटिंग या आंसर्स, सॉरी। तो ये इस तरीके से 6 हैं, इनको मैं अलग रख दे रहा हूँ। ओके, सो अब हम आते हैं जो जीएस का जो मेन मटेरियल है। तो सबसे पहले आपको ये बुकलेट है, इसमें नंबर 1 लिखा है, और जो कि मतलब एक घंटे में आप रीड कर सकते हो, कुछ 8-10 पेज की है। और इसमें लिखा है बुकलेट नंबर 1 जनरल स्टडीज़ नोट्स बुकलेट 1, और सब्जेक्ट है स्ट्रेटजी बुक। मतलब ये इसमें आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी लिखी है कि कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो ये आप देख पा रहे होगे, हालांकि देख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा स्क्रीन में। चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये बुकलेट नंबर 2 जो कि आपकी है ऐसे बुक, जिसमें आप ऐसे के लेकर इसमें गाइडेंस दिए, और हर बुकलेट में आपका नंबर लिखा है। और ये सारे स्पाइरल बॉन्ड है जिसमें कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, और प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, आगे है ये बुकलेट नंबर 3 आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट है, और जो कि काफ़ी छोटी है, ये भी काफ़ी छोटी है, इजीली आप इसको 1 से 2 दिन में पढ़ लोगे। और उसके बाद हम आते हैं
नेक्स्ट बुकलेट पे, जो कि है बुकलेट नंबर 4, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और जो कि काफ़ी हेल्दी है, मतलब इसको पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। बाकी आप प्रिंट क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से इसमें दे रखा है। और स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो इन्होंने वो चैप्टर वाइज डिटेल बता रखी है कि कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर पे है, साथ में उसके टॉपिक्स की डिटेल भी इसमें दे रखी है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। तो आप और देख पा रहे हो बुकलेट नंबर 5 आ गया है, जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री है। और जिनको सिलेबस पता नहीं है यूपीएससी का, तो वो इन बुकलेट के मैं जो बताता जा रहा हूँ वो सारा आपका सिलेबस में आ जाएगा। मतलब मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बता रहा हूँ, आगे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अंदर। ओके, सो अब आते हैं हम आगे बुकलेट नंबर 6 पे, जो कि है इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। और जी हाँ गाइस, ये इंग्लिश मीडियम का मटेरियल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं विजन का। और जैसा कि पता है विजन का एवरग्रीन कंटेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के, सभी लोग फॉलो करते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं बुकलेट नंबर 7 की, जो कि है इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। मतलब इंडियन पॉलिटी के काफ़ी 3 या 4 होंगे आई थिंक, अभी मैंने देखे नहीं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी ही सबसे ज़्यादा यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहते हैं, हर बार ऐसा तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि 100% सबसे ज़्यादा आते हैं, बट जो वेटेज होता है वो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा होता है, ये माना जाता है यूपीएससी में। तो ये बुकलेट नंबर मतलब ये है बुकलेट नंबर 8, और ये पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी का। और आगे 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 आते हैं तो पार्ट 3 भी है इंडियन पॉलिटी का। ये थोड़ी सी पतली बुक है अगर कंपेयर करें जो 2 मैंने आपको दिखाई पॉलिटी की, ये बुकलेट नंबर 9। और इसके बाद आगे आते हैं हम तो बुकलेट नंबर 10 पे आ गए हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी पार्ट 4। ये भी पार्ट 4 मैंने बोला था कि पॉलिटी ज़्यादा है, तो 4 बुकलेट आपको पॉलिटी की दी गई हैं। और अगर आप इनमें मैं बताऊं बुक से कैसे डिफरेंट है, बुक में आपको डिटेल मिलता है, इसमें हेडिंग्स पॉइंट्स ज़्यादा रहते हैं अगर हम विजन के कंटेंट को देखें, या खासतौर पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं वैसा रिव्यू तो नहीं कर पा रहा हूँ कि अंदर क्या है और किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि अभी भी मैंने इनको सही से पढ़ा नहीं है। मेरे पास पहले थी बट मैंने उतना ज़्यादा उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी। और ये है बुकलेट नंबर 11 गवर्नेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम आगे आते हैं, ये तो बहुत छोटी सी है, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें कंपैरिजन किया हुआ है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसी बुकलेट भी दी गई हैं, जैसे बुकलेट नंबर 12 है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आप और मटेरियल लेते हो तो उधर पे ये सारी बुकलेट नहीं मिलती हैं, जैसा कि आपको भी पता है। तो इस तरीके की बुकलेट इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा बुकलेट हैं, जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब आते हम बुकलेट नंबर 13 पे, तो ज्योग्राफी पार्ट 1। ज्योग्राफी भी काफ़ी मतलब लेंथी सब्जेक्ट है, तो उसकी भी बुकलेट शायद 2-3 होंगी, तो ये देखते हैं, 2 हैं। ज्योग्राफी पार्ट 2 बुकलेट नंबर 14, और इसमें भी आपको देखो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, पॉइंट वाइज, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करते हैं विज़न, विज़न बुकलेट नंबर 15 इन्वायरमेंट की है ये बुकलेट, जो कि काफ़ी छोटी छोटी हैं, ज़्यादा मतलब बड़ी तो नहीं है, और इसमें आपका सिलेबस संपूर्ण कवर तो हो ही जाएगा मैक्सिमम। एक और छोटी सी बुकलेट आ गई नेचुरल हजार्डस, जो कि मतलब आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड, इसे इन्होंने अलग से ही एक बुकलेट बना दी है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ना। सो आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की ये बुकलेट है, बुकलेट नंबर 17। और आगे हम बात करते हैं इकोनॉमी, ये बुकलेट इकोनॉमी की है, सॉरी एक्चुअली ये फंस गया है, इकोनॉमी पार्ट 1 है, और ये भी काफ़ी हेल्दी बुकलेट है, थोड़ी सी मोटी है, हेल्दी का मतलब ओके और ये आ गई आपकी बुकलेट नंबर 2 इकोनॉमी की। और इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की बुकलेट 3, जो कि काफ़ी छोटी सी बुकलेट है। तो ये बुकलेट 3 इसलिए है क्योंकि इसका ज़्यादा सिलेबस है, इस वजह से आपको अलग अलग दी गई हैं बुकलेट। और बुकलेट नंबर 4 ये है इकोनॉमी की, मतलब 4 बुकलेट हैं इकोनॉमी की। और अब हम बात करते हैं एथिक्स की, जो कि जीएस पेपर 4 होता है, तो ये उसकी बुकलेट है, जो कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, अगर पेज वाइज देखा जाए तो काफ़ी पेज हैं इस बुकलेट के, और काफ़ी मोटी है, काफ़ी मतलब टाइम तो लगेगा ही इसको रीड करने में, हालांकि वो तो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रीडिंग करते हो। ओके, सो
अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बुकलेट नंबर 23 है, जिसमें कि 55 केस स्टडीज़ दी गई हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे स्टडी में। जीएस पार्ट में तो काफ़ी आ जाते हैं केस स्टडीज़ वगैरह, और केस स्टडीज़ वगैरह से शायद इंटरव्यू वगैरह में भी हेल्प मिल जाती है। तो ये अब आगे हम बात करते हैं 55 केस स्टडीज़, ये 23 आई थिंक ये बुकलेट रिपीट हो गई है गलती से मेरी पार्सल में। ओके, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं हम, इसमें है बुकलेट नंबर 24, जो कि है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी कंट्री के रिलेशन दूसरे कंट्री से, तो ये भी है। और उसके बाद हम बात करें तो ये बुकलेट है 25 इंडियन सोसाइटी की, और उसके बाद हम बात करते हैं तो है सोशल जस्टिस 26 है, और ये भी काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है बुकलेट। और उसके बाद हम बात करते हैं बुकलेट नंबर 27 की, यह बुकलेट नंबर 27 जो कि है सिक्योरिटी की। और उसके बाद आते हैं बुकलेट लास्ट 28 बुकलेट, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको वन बाय वन करके सारे बुकलेट दिखाए हैं, हालांकि मैं इनकी डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, अगर डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इनकी मैं डिटेल बताऊं कि क्या सिलेबस कवर किया गया है और किस तरीके से इनको कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। और इन सभी को आपको परचेस करने के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें जो इस साइट से जो मैंने कंटेंट मंगाया, हालांकि थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा है अगर कंपेरिजन करें अदर जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं, लेकिन इसमें क्या है कि स्पाइरल बॉन्ड करके इन्होंने नोट्स दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा बुकलेट दिए हैं, बुकलेट ज़्यादा का मतलब इन्होंने 6 रजिस्टर्ड दिए हैं, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ गाइड वाले भी बुकलेट हैं, जो कि एक्स्ट्रा बुकलेट आपको हैं, जो कि आपके यूपीएससी की जर्नी में या फिर मेंस या प्रीलिम्स की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, या फिर कहीं इंटरव्यू की जर्नी में। तो गाइस, आप इनके ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दिए हैं, या फिर आप गूगल करके भी www.plusparmesh.in से जाकर परचेज कर सकते हो, या फिर इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने फैसिलिटीज़ आपको बताएं दी कि ये आपको कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपको 24 सपोर्ट भी दे रहे हैं, कॉल पर आप इनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने पैकिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इनके साइट पर जाकर देखोगे, आपको और भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे अलग अलग रिनाउंड एंड फेमस इंस्टीट्यूट के, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इनके जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।